भाजपा की दूसरी सूची के प्रत्याशियों की प्रोफाइल। रीवा संभाग में दो सांसदों को दिया मौका। पेशाब कांड में फंसे विधायक का टिकट कटा। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भाजपा की दूसरी सूची में रीवा संभाग के 4 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें 2 सांसदों को पार्टी ने मौका दिया है, वहीं पेशाब कांड में फंसे विधायक का टिकट काट दिया है। गणेश सिंह, उम्र 61 वर्ष, शिक्षा MA MLB। 2004 में भाजपा के टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए। तब से अब तक सतना लोकसभा सीट से सांसद हैं। भाजपा प्रदेश संगठन में प्रदेश मंत्री रहे, वर्तमान में चुनाव प्रबंध समिति के सदस्य हैं। टिकट क्यों मिला? 4 बार से सतना लोकसभा सीट से सांसद हैं। ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे हैं। श्रीकांत चतुर्वेदी, उम्र 54 वर्ष, शिक्षा स्नातक। प्रोफाइल, 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, 2500 वोट के अंतर से हार गए, बाद में भाजपा ज्वाइन कर ली। सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता, व्यापारियों संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। टिकट क्यों मिला? पार्टी को यहां चेहरा बदलना था। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर काफी कम अंतर से हारे थे। रीति पाठक, उम्र 41 वर्ष, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट। 20 वर्षों से भाजपा में सक्रिय हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष सीधी रह चुकी हैं। 2014 में कांग्रेस के इंद्रजीत कुमार को हराकर पहली बार सांसद चुनी गईं। 2019 में लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीती। टिकट को मिला? मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ला पेशाब कांड से विवादों में फंस गए थे, इसलिए वहां चेहरा बदला। विश्वामित्र पाठक, उम्र 67 वर्ष, शिक्षा 12वीं। 1977 में जनता पार्टी से जुड़े, 1981 में कांग्रेस से जुड़े और फिर 2008 में भाजपा की सदस्यता ली। 2009 में पहली बार सिहावल में कांग्रेस का किला भेदते हुए पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार पटेल को हराकर विधायक बने। टिकट क्यों मिला? क्षेत्र में सक्रियता, पुराने कांग्रेसी इसलिए कांग्रेस की कमजोरियों से वाकिफ है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।